time is it? You know what time it is. It's time to hit that subscribe button. You know just where it's at. Right down there. Right down there. And it's time to follow my Instagram. That's Geekly Amanda. G-E-E-K-L-Y Amanda. It's on Instagram. It's on Twitter. Go follow me on Twitter too. It's time to get this ratchet video started. We're on episode 3, part 2 of Vishnu Puran. And remember last we left off, the king was going to talk with his first wife. You know, the one who's, she was not eating because she don't know where her son is. She was there, sitting there upset. They wanted to give her food. She's like, I don't know if my son's eating. Like, she's going through some stuff. So he's going to talk to her. I hope he does her right because he's got some making up to do. Y'all ready to get this started? Let's just go. Ready? Go. He couldn't find me. नहीं, कहीं नहीं मिला. Well, he shouldn't come back until he. मैंने सारा क्षेत्र छान मारा. Yeah, come back till you find him. I'd be like, don't come back till you find him then. You didn't look everywhere because you didn't find him. सुनीति, ये सब मेरा ही किया धरा है. You're right. दिग्विजय उतान पात अपने अनंतपुर में पराजित हो गया. That's right too. सरुचि के मोहजाल में आकर हमने आप पर अपने पुत्र ध्रुव पर बड़ा ही अन्याय किया है. We should know who's at fault. What's she gonna say? ऐसा ना कहे महाराज. Oh my God, she's too nice. ये सब मेरे भाग्य का खेल है. She's too sweet. एक बार और चेष्टा करके देख लेते हैं. इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी. Because look, she's like, I don't want to be come back into my son's life. पहाड़ियों में, घाटियों में, हर जगह उसे पुकारूंगी. कभी तो सुनेगा अपनी माँ की करुणा भरी पुकार, कभी तो सुनेगा. एक महारानी होकर आप भटकती फिरे, नहीं, ये उचित नहीं है. महारानी सुनीति एक कदापि उचित नहीं है. एक महारानी के लिए उचित नहीं, एक माँ के लिए तो उचित है. मदर, मदर कम्स फर्स्ट, फैमिली कम्स फर्स्ट. उधर ठोकरे खाता फिर रहा हो तो माँ को महल में चैन कैसे मिलेगा? देर हो गई तो वह हमसे और दूर चला जाएगा. चलिए महाराज, चलिए. महारानी, महारानी, सब बना बनाया खेल बिगड़ गया. शुभ शुभ बोल बावली, कौन सा खेल बिगड़ गया? महारानी सुनीति ने महाराज का मन एक बार फिर जीत लिया है. क्या ये तू क्या कह रही है? स्पष्ट बता क्या हुआ. मैं वहीं से चली आ रही हूँ. पुत्र अशोक ने महाराज को व्याकुल कर दिया है. वो मेरे सामने महारानी सुनीति के समक्ष अपना पश्चाताप प्रकट कर रहे थे. क्या? हाँ महारानी, और अब दोनों मिलकर राजकुमार ध्रुव की खोज में जा रहे हैं. कुछ कीजिए वरना आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे. यह असंभव है. They're trying to find the son, and she's gonna. She's gonna do everything to try to sabotage it. Uh oh, this is they're gonna come head to head, huh? Uh oh. आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्यों? क्या मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता है? हम अपने पुत्र को ढूंढने जा रहे हैं, जो केवल तुम्हारे कारण राज महल छोड़कर चला गया है. हम दोनों मिलकर अपने पुत्र को ढूंढेंगे. ये अचानक पुत्र मुंह कैसे उमड़ा है महाराज? पिताश्री ने आकर मेरे नेत्र खोल दिए हैं. मुझे आज ज्ञान हुआ है कि परिवार में पिता का क्या महत्व होता है. मैं भटक गया था. पिताश्री ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है और अब मैं इस मार्ग को कदापि नहीं छोड़ूंगा. कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी. तू मुझे जाने नहीं देगी? तू रोकेगी मुझे? हाँ मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ. तू पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में हमारे परिवार के सुख चैन, हमारी एकता और हमारे तू उस चमकती रेत के समान है जो प्यासे यात्री को दूर से जल तो दिखाई देता है, परंतु पास आने के बाद पता चलता है कि वो जल नहीं केवल रेत है.
पिताश्री ने आकर मुझे इस मोहजाल से मुक्त कर दिया है। तेरे मुंह में फंसकर मैं अपनी देवी समान धर्म पत्नी को भूल चुका था, अपने आप को भूल चुका था। तो ये कहिए ना कि सुनुति ने अंत में आप पर अपना रंग जमा ही लिया। मैं सब समझती हूँ, किसी ने आपको मेरे विरुद्ध भड़काया है। इसके मन में तो पुत्र वियोग की अग्नि दहक रही है, पर तू क्या जानी इस दुख को। यदि तेरा उत्तम कहीं चला गया होता तो तुझे ज्ञान होता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे महाराज, भगवान के लिए इतने अशुभ बोल अपने मुंह से ना बोलिए। भगवान ना करे कि वो कहीं चला जाए। वो केवल आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ। माता कहकर तो वो मुझे भी पुकारता था। मैं तो यही सोचती थी कि ध्रुव के जाने के बाद उत्तम ही हमारे घर का दीपक है। ध्रुव को तो मैं खो चुकी हूँ। उत्तम भी अगर कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा। देख लिया तुमने, ये है माता। ऐसी होती है ममता। This is what a mother is like. ध्रुव हरदम तुम्हारी आंखों में कांटे के समान खटकता रहता था। I'm glad he sees the truth now. तुम यही चाहती थी ना कि राजमहल तुम्हारा हो जाए, ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाए, मेरे राजकोष, मेरे सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार हो जाए। तो ले, मैं सब कुछ तुम्हें देता हूं और सुनीति को लेकर अपने पुत्र की खोज में जा रहा हूं। यदि वो हमें ना मिला तो हम भी लौट कर नहीं आएंगे। तू बिठा ले अपने पुत्र को राज सिंहासन पर और जैसे चाहे वैसे राज कर। हम जा रहे हैं। चलिए महारानी सुनीति। Mother Roxy's looking at him. That's how you know how he's just gonna. He's gonna be okay. Mother Roxy's looking at him. What is this? Is that? Oh, there they are. Oh, my heart breaks. Can you imagine? There he is. Look at him. He's gone far now. There's the sage Narane. Which one of them? Because he hasn't eaten? He probably hasn't drank? You need to take care of yourself? Balak. Aap kaun hai, Mahatman? Tum pyaase ho, aur main tumhare liye jal laya hoon. Kya itna jaan lena paryapt nahi hai? Main jal peena nahi chahta. Main Bhagwan Vishnu se milne ja raha hoon. Bahut lambi yatra karni hai mujhe. Jal nahi piyoge, to lambi yatra kaise karoge? धर्म की साधना के लिए शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है बालक। लो थोड़ा सा जल पी लो। अ
आप जो भी हो, भगवान विष्णु की खोज में यदि मेरा पथ निर्देश करते तो आपकी बहुत कृपा होगी। तुम जितने कोमल हो पुत्र, तुम्हारा संकल्प उतना ही कठोर है। इस कड़ी धूप में कुमला जाओगे। मेरी बात मानो पुत्र, घर लौट जाओ। मैं तो समझा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन ही तो कर रहा हूँ। देखो, यहाँ से एक मार्ग तुम्हारे घर की ओर भी तो जाता है। वो भी मिलता है, मुझे घर लौट जाने को कहता है। कोई भी भगवान विष्णु का पता नहीं बताता। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। ये जानकर भी नहीं कि तुम्हारी खोज में तुम्हारे माता पिता दिशाएं छान रहे हैं। आपको किसने बताया? मैं तो तुम्हें भी बता सकता हूँ। बता क्या, मैं तो तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। देखना चाहोगे? देखो। आप कौन है? आप मेरे माता जी के पास ले जा सकते हैं, तो फिर भगवान विष्णु के पास भी ले जा सकते हैं। मुझे बताइए आप कौन है? ये गिवन अप ऑन दैट। मैं नारद हूँ बालक, देवर्षि नारद। बारंबार प्रणाम आपको करता हूँ देवर्षि नारद। मुझे बताइए भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निवास करते हैं पुत्र। चलिए, ले चलिए मुझे क्षीर सागर। यही तो समस्या है पुत्र। क्या समस्या है? कोई प्राणी जीते जी क्षीर सागर में नहीं जा सकता। क्षीर सागर में मनुष्य की आत्मा जा सकती है, उसका शरीर नहीं। जब तक कोई प्राणी तब तक वो क्षीर सागर नहीं जा सकता। मृत्यु के पश्चात ही वहाँ जाया जा सकता है बालक। पर मैं तो जीते जी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता, किंतु मैं उनसे मिले बिना मरना नहीं चाहता। तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया पुत्र। एक बात कहो देवर्षि। अवश्य कहो पुत्र। मनुष्य तो मृत्यु के पश्चात ही उनसे मिल सकता है, पर वे स्वयं तो किसी भी जीवित प्राणी से मिल सकते है ना? मेरी बुद्धि की परीक्षा मत लो। तुम क्या कहना चाहते हो बालक? यही कि यदि मैं उनके पास नहीं जा सकता, पर वो तो मेरे पास आ सकते हैं ना? हाँ, ये तो संभव है, किंतु इसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी। करूंगा, करूंगा, कड़ी से कड़ी तपस्या करूंगा। सोच लो बालक, बड़ी कठिन राह है ये, कष्ट ही कष्ट है इस राह में। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मैं हर कष्ट हंस के सह लूंगा। पहले तुमने मुझे प्रणाम किया, अब मैं तुम्हें, तुम्हारे साहस, तुम्हारे दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूँ। इतना छोटा बालक और इतना बड़ा संकल्प, इतना साहस। अच्छा तो सुनो, तुम्हें उस वन में जाना होगा, दूर अंदर तक। वहां जाके तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा, निरंतर, तार तोड़े बिना। जाप एक पल के लिए भी नहीं टूटना चाहिए। मुझे मंत्र दीजिए। कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 They don't know what to do, huh? Okay. Because he's like, this little boy ain't giving up. His devotion is stronger than anything. But he was. Devashi? Mate, pranam. मुझसे कोई भूल हो गई है? आप मुझे कुछ रूठी रूठी सी दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं आपसे बहुत क्रोधित हूँ। आप भी कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं कि मन करता है आपसे कभी बात ही न करूं। मगर माते, नियम तो ये है कि दंड देने से पहले अपराध करने वाले को उसके अपराध के बारे में बताया जाता है। आपने तो मुझे अभी तक नहीं बताया कि मेरा अपराध क्या है। आपसे उत्तर नहीं बन पा रहा, इसके लिए बातें बना रहे हैं। मैं पूछती हूँ, उस छोटे से बालक को इतने घोर वन में भेजने की क्या आवश्यकता थी, जहाँ हर पग
वन्य पशुओं और विषैले सर्पों का संकट है। ओ, तो माता मुझसे इसलिए रुष्ट हैं कि मैंने ध्रुव को वन में क्यों भेज दिया? और नहीं तो क्या, मंत्र का जाप ही तो करना था। वो तो ध्रुव वहाँ भी कर सकता था जहाँ आप उसे मिले थे। एक कोमल काया को इतना बड़ा कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? परंतु माते, जहाँ मैं ध्रुव से मिला था वह एक खुला क्षेत्र था। तो क्या हुआ? नारायण नारायण, माते आपको तो पता है कि ध्रुव के माता पिता उसकी खोज में निकल चुके हैं। हाँ मैं जानती हूँ। माते, किसी खुले क्षेत्र में ध्रुव उनकी दृष्टि से बच नहीं पाता। कभी ना कभी वह उसे देख ही लेते। यदि वह उसे देख लेते तो फिर घर ले जाने का प्रयत्न करते। यदि वह उसे घर ले जाने का प्रयत्न करते तो मंत्र के जाप का तार टूट जाता। यदि मंत्र के जाप का तार टूट जाता तो ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती। और यदि ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती तो भगवान विष्णु से मिलने की उसकी मनोकामना पूर्ण न हो पाती। इसलिए मैंने उसे एक ऐसे स्थान पर भेज दिया है जहां उसे कोई देख न सके। माते ठीक है, किंतु तुम जानते हो ना कि ध्रुव मुझे कितना प्यारा है। यदि उसे कोई हानि पहुंची तो माते, she's like, I ain't gonna forgive you. You know, you better watch. That's what she's saying. मैंने you better watch out for him. जो मुझे इन परिस्थितियों में उचित लगा। क्या अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? नहीं, no, but I'm not happy. एक बात कहूँ माते? कहो। आप जब भी क्रोधित होकर मुझे डांटती हैं, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे यूं लगता है मानो किसी सुंदर मधुवन से मुझ पर फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण। I guess I would like what Mother Lakshmi does. Anything, right? Oh, look at me. Oh. Oh no. This is what she. This was Mother Lakshmi's worried about. Oh no. Oh, I can't look. Oh, I can't look. Now the tiger's going to interrupt his chanting, right? He was worried about the parents. I don't want to look. Can we fast forward? We're going to fast forward. I'm anxious. देवर्षि आइए, स्वागत है आपका। बताइए तो क्या आपकी कृपा दृष्टि हुई ध्रुव पर? क्या आपका मार्गदर्शन मिला उसे? ध्रुव का मार्गदर्शन आपने भी किसके पास भेज दिया था मुझे? वो बालक है ना, न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। तो छोटा सा है परंतु संकल्प इतना दृढ़ कि बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा जाए। इतनी छोटी सी आयु में इतनी महान अभिलाषा। और अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि भगवान को स्वयं ही उसके पास आना पड़ेगा। और इसके लिए कुछ भी सहने को तैयार है। प्रभु, उसका मार्गदर्शन करते करते तो मैं अपना मार्ग भूलते भूलते बचा। उसे मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं लगती प्रभु। आप ठीक कह रहे हैं। पतंगा जब दीपक पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की ठान लेता है तो केवल एक ही वस्तु उसका मार्गदर्शन कर सकती है, दीपक की लौ और उस पर मर मिटने की इच्छा। फिर यही उद्देश्य उसका पूर्ण जीवन बन जाता है। ध्रुव के मन में जिस संकल्प ने जन्म लिया है देवर्षि,
उस संकल्प की पूर्ति के लिए उसका मार्गदर्शन भी वही संकल्प करेगा। उस संकल्प के अतिरिक्त और कोई उसका मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता। एक बात पूछने को मन कर रहा है जनार्दन, तो संकोच क्यों कर रहे हैं देवर्षि? पूछिए ना। हे विश्वेश्वर, जब ध्रुव के संकल्प से ही उसका मार्गदर्शन होना था, तो फिर उसके मार्गदर्शन के लिए आपने मुझे क्यों भेजा? यदि चंद्रमा उदित ही न हो देवर्षि, तो अंधियारी रात्रि के यात्री को कौन बताए कि उसकी यात्रा किस दिशा में होनी है? आपने चंद्रमा बनकर ध्रुव की आकांक्षा को दिशा दे दी देवर्षि। ये कोई साधारण और सरल कार्य नहीं था। मैं जानता था कि ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवर्षि, केवल आप, क्योंकि आप सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। जो आपने किया वो केवल उचित ही नहीं था, बल्कि सराहनीय भी था। आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नारायण, किंतु माता लक्ष्मी कभी मुझे सराहे, लगता है ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। Like, Mother Lakshmi got mad at me. आपने जो किया उससे माता लक्ष्मी यदि रुष्ट नहीं तो संतुष्ट भी नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना आप? आपसे क्या छिपा है अंतर्यामी? हाँ, माता मुझसे अप्रसन्न है। She is angry. वो विवश है देवर्षि, अपनी ममता के कारण विवश है वो। उनसे तो किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती, और फिर ये पीड़ा तो उसकी है जिसे उन्होंने स्वयं अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए आप पर थोड़ा सा क्रोधित हो गई थी। और फिर क्रोध का प्रदर्शन भी तो अपनों से ही किया जाता है ना देवर्षि? आपको अपना समझती है, आप पर कृपालु है, इसलिए कभी कभी आप पर अपने क्रोध के पुष्प भी बरसाती रहती है। आपको भी तो आनंद मिलता है इससे। आपने मेरे मन की बात कह दी प्रभु, सच पूछिए तो माता के मुख से यदि कटु वचन भी निकले तो उनसे मधु की बूंदे टपकती दिख पड़ती है। फ्लावर्स लाइक स्वीट हनी सेड। देवलोक लौटी नहीं क्या? ममता चिंता का दूसरा नाम है। आपने तो ध्रुव को भेज दिया वन में, अब माता का मन तड़प उठा कि कहीं वन के पशु उसे कोई हानि न पहुंचा दे। इस समय वो ध्रुव की रक्षा का प्रबंध करने शिव भार्या पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत गई है। Oh, so what, Lord? So she went to Lord Shiv. Is he going to be in the next one? All right. Let's stop it here. So is that she's going to the forest? What she? He said going to Lord Shiv. Is Lord Shiv going to be in the next one? Well, we're going to have to. I already said we're already doing episode four. We're going to do episode four, so that's guaranteed. I'm going to be coming maybe next week. Now I'm like, oh, I want to see Lordship. I'm not gonna be able to stop this. I like doing these so much and learning about it, and I gotta do my Mahabharat too, so I gotta catch up on my Mahabharat, but that one's coming to an end, so I'm like picking this up and then ending the other one. It's like a full circle almost. All right, let me know what you think, y'all. Comments, thumbs, all that. Until next time. Mwah!